जहां पर आदिवासियों के गांव में जिस प्रकार से पुलिस फोर्स भेजी जा रही है, आदिवासियों की जो भूमि है उसके ऊपर गुजरात सरकार जबरन कब्जा कर रही है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रवासन के नाम पर, इस कोरोना महामारी के वक्त भी आदिवासी किस प्रकार विरोध कर रहे हैं वो वीडियो 2 दिन से हमारे सामने आ रहे हैं। साथियों, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा। गुजरात नर्मदा जिला के केवड़िया क्षेत्र में जिस प्रकार आज वहाँ के आदिवासियों की जो भूमि है उसके ऊपर गुजरात सरकार जबरन कब्जा कर रही है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रवासन के नाम पर, आदिवासियों की जो अपनी मातृभूमि है उसको छीनने का प्रयास गुजरात सरकार कर रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर वहाँ पर आज आदिवासी गांवों में शहरी विकास कानून लागू करके आदिवासियों की ज़मीनों पर जबरन मापन कार्य हो रहा था, जिसके विरोध इस लॉकडाउन, इस कोरोना महामारी के वक्त भी आदिवासी किस प्रकार विरोध कर रहे हैं वो वीडियो 2 दिन से हमारे सामने आ रही है। आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही दुखदायक है और हमें एक आदिवासी होने के नाते जिस प्रकार आज आदिवासियों हम अन्य किसी सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, जो हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो शेड्यूल 5 के अधिकार है, वही तो मांग रहे हैं आदिवासी। ये जल जमीन की रक्षा करने की जो बात कर रहे हैं आदिवासी आज वहाँ पर जिस प्रकार अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, आदिवासी अस्मिता बचाने के लिए, आदिवासी अपनी भूमि बचाने के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहा है उसके देखते हुए लगता है कि वहाँ के आदिवासियों के साथ आज पूरे देश के आदिवासियों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम केवड़िया क्षेत्र को नहीं बचा सके तो आने वाले दिनों पर इस ही प्रकार डेवलपमेंट के नाम से, प्रवासन के नाम से, होटल मोटल डेवलपमेंट के नाम से आदिवासियों की भूमि ऐसे ही जबरन छीन ली जाएगी। इसीलिए हम सरकार से भी निवेदन करते हैं और आदिवासी समुदाय से भी ये निवेदन करते हैं कि इस कोरोना की महामारी के वक्त इस प्रकार जहां पर आदिवासियों के गांव में जिस प्रकार से पुलिस फोर्स भेजी जा रही है, ये शायद अपने आप में बहुत ही बड़ा ये खतरनाक निर्णय है। अगर इससे अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति वहाँ पर अगर पहुँच गया तो पूरे गांव में ये कोरोना फैल सकता है, तो फिर ये लॉकडाउन का मतलब क्या? लॉकडाउन सिर्फ लोगों के लिए है? लॉकडाउन का पालन अगर खुद सरकार नहीं कर रही है तो फिर आम जनता कैसे कर पाएगी? और इसीलिए हम सरकार से भी विनती करते हैं और हम आदिवासी, हमारे जितने भी संगठन, हमारे जितने भी लीडर, उनसे भी हम कहते हैं कि हमें केवड़िया के लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए और वहाँ पर जिस प्रकार से आज भूमि अधिग्रहण जो चल रहा है और आदिवासी पंचायतों में जिस प्रकार शहरी कानून विकास लागू किया है उसको रद्द किया जाए और हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।